देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। ये साहित्य क्या इस पीढ़ी से अभी भी बहुत दूर है, वहां तक पहुंचने का क्या रास्ता है इनके लिए? वहां तक पहुंचना किसे कहती हैं आपने कहा ना, वहां तक पहुंचना, क्योंकि नामवर सिंह या फिर कृष्णा सोबती के नाम तक कई लोग नहीं जानते आज। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। देखिए इधर जो पूरी शिक्षा दीक्षा हो रही है उसका लक्ष्य सिर्फ नौकरी, और नौकरी भी ये नहीं कि कैसी नौकरी, वो नौकरी जिसमें टके ज़्यादा हों। लोग बाग उन नौकरियों में जाना चाहते हैं। हमारे समय में बहुत लोग ऐसे थे जो ज़्यादा पैसे वाली नौकरियां छोड़ छोड़ करके साहित्य के क्षेत्र में आए, दूसरे क्षेत्रों में गए, शिक्षा के क्षेत्र में गए, लेकिन अब ऐसे लोग बहुत कम होते चले जा रहे हैं। तो ये पूरे देखिए समय का फिर, और इस मामले में कृष्णा जी का मामला बड़ा अद्भुत था कि मैंने जैसे कहा था कि वो अक्सर शाम को लौटती थी पब्लिकेशन डिवीज़न से और आकर के मेरे पास बैठती थी, बहुत देर बातें करती थी। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो उनके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। उन्होंने बराबर विश्वास में लिया, बड़े अंतरंग से अंतरंग प्रसंग मुझे हमेशा विश्वास में लेकर के सुनाए। एक बार कोई संबंध था उनका, उन्होंने मुझसे कहा कि आप आ जाइए, इस व्यक्ति से मिल लीजिए, मैं चाहती हूँ। चली गई, मिली, बैठी, मुझे ठीक ठाक लगे, विदेश में रहते थे शायद, और मुझे लगा कि लगभग चलिए कृष्णा जी अब शादी वादी करेंगी और ठिकाने। कुछ दिन के बाद पता लगा कि नहीं, कृष्णा जी ने तय किया कि नहीं होगी। मैंने पूछा, मैंने कहा कृष्णा जी क्या हो गया? एक वाक्य, बस एक वाक्य बोली, निर्मला जी कुछ भरोसा सा नहीं हुआ। अब ये भरोसा सा नहीं हुआ, उनका अपना विवेक था, अपने विवेक से उन्होंने तय किया कि व्यक्ति भरोसे लायक नहीं, और इसलिए जब अंततः उन्होंने संबंध जोड़ा तो ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने खूब निभाया उन्हें। ये दुर्भाग्य था, उम्र में उनसे छोटे थे शिवनाथ जी, लेकिन दुर्भाग्य था वो पहले चले गए। लेकिन जब तक रहे, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे पड़ोसी रहे बहुत दिनों तक, तो मैं देखा करती थी कि कृष्णा जी का समय जब शिवनाथ जी के सोने का समय होता था तो कृष्णा जी के पढ़ने का समय होता था, रात भर पढ़ती थी। 11 बजे के करीब उनकी किताब खुलती थी, 10:30-11 बजे के करीब, और सुबह जब तक नींद से बोझल ना होने लगे आंखें तब तक सोती नहीं थी। फिर देर तक दिन में सोती थी, फिर उठ करके अपनी दिनचर्या ये वो सब। तो मुझे कभी कभी ये आश्चर्य हुआ करता था कि इन दोनों का संबंध चलता कैसे है, लेकिन परम समर्पित एक दूसरे के प्रति संबंध उन्होंने निभाया, स्थापित किया, तो अंत तक निभाया। संबंध निभाना, कृष्णा जी या तो संबंध बनाती नहीं थी, और अगर संबंध बनाती थी तो ऐसे निभाती थी कि उनका सानी दूसरा नहीं था। इस बात को मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानती हूँ कि एक बार हो गया परिचय तो उन्होंने पूरे जीवन संबंध बनाया। जैसे मैंने कहा जी कि बड़ी से बड़ी बात अपनी अंतरंग धीरे से कहती थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मिलती थी, फिर बड़े विश्वास से बात बताती थी। मैं जो मेरी बुद्धि में आता था सलाह देती थी, माने ना माने इस बात की कभी चिंता नहीं की मैंने, जो अनुकूल लगता था मान लेती थी, नहीं अनुकूल लगता था नहीं मानती थी। उनका जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति खड़ा हुआ, मेरे भीतर का एक कोना खाली हो गया कृष्णा जी के जाने से, जो मुझे लगता शायद कभी भरने वाला नहीं। अशोक जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक घटना मुझे और याद आती है। 1989 में भारत भवन में हमने विश्व कविता समारोह किया, उसमें 27 विदेश कवि थे, भारतीय 5 कवि थे, रघुवीर सहाय थे हिंदी से, अख्तर उल ईमान वगैरह भी थे, और उसमें हमने कवियों को बुलाया था। यकायक जिस दिन उसका शुभारंभ होने जा रहा था, हमने देखा कि भारत भवन की सीढ़ियों पर कृष्णा जी चली आ रही,
तो मैं दौड़ के गया, मैंने कहा कि आपने सूचित नहीं किया? बोले नहीं, इतने सारे कवि एकत्र हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि मुझे उनको सुनने जाना चाहिए। तो आई, अब वो कहाँ रुकी हैं, मेरे पास इतना काम था कि मैं पूछ भी नहीं पाया। फिर जो भी कवि उनको पसंद आता था, वो उन्होंने एक थैले में कुछ गुलाब के फूल रखे हुए, तो जो ही किसी कवि को कविता उनको पसंद आती थी तो वो उठकर जाकर उसको एक फूल देती थी। अभी भी मुझे वो दृश्य याद है। हिंदी का इतना बड़ा कथाकार, ज़्यादातर कथाकार कविताएं पढ़ते तक नहीं है, उनकी कथा जगत ही इतना रोचक लगता है उनको, वो कथाकार कवियों की कविताएं पढ़कर सुनकर उनको फूल दे रहा। सोचिए अशोक जी, जिन्हें गुलाब मिल गया वो तो खुश, जिन्हें नहीं मिला उन पर क्या बीतती होगी। बाद में बहुत सारे लोगों में, जिनमें अर्नेस्टो कार्दिनाल, मिरोस्लाव होलोब, निकानोर पारा जैसे विश्वविख्यात कवि थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि हु इज दिस लेडी इन द ब्लैक हु गिव्स अस अ फ्लावर, इज शी डज शी बिलोंग टू भारत भवन? आई सेड नो, शी डज नॉट बिलोंग टू, शी हैज बीन हियर, बट शी इज अ ग्रेट राइटर। तो फिर उनके इर्द गिर्द लोग मड़राते थे,